नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरें की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में अभी भी टीके को लेकर जागरूकता का घोर अभाव है। राज्य में वैक्सीनेशन कार्यक्रम इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। राजधानी रांची के कांके प्रखंड में 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले सुकरहुटू पंचायत में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की बेहद कमी नजर आई। वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ी सेविका ने बताया कि कुछ मोहल्ले के लोग अभी भी वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं। गांव में 16 मार्च से चले वैक्सीनेशन कार्यक्रम के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। वैसे प्रश्न पर कांके वीडियो ने कहा कि रमजान में खाली पेट होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं लिया गया, अब लोगों को जागरूक किया जा रहा और मंदिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा। वैक्सीन ले चुके दिलशान मोहम्मद मंसूरी ने कहा कि वैक्सीनेशन लेने पर मौत होने जैसी अफवाहें ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। और ये लाउड स्पीकर के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है और अफवाहें जो हैं बहुत ज़्यादा समाज में फैली हुई हैं। इस तरह की अफवाहें हैं कि वैक्सीन लेने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है इस तरह की। के लिए देखिए, हम लोग हर टोला जाते हैं, एक एक परिवार से मिलते हैं और टीकाकरण के बारे में समझाते हैं। बहुत लोग तो समझ जाते हैं और समझ रहे हैं, टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा टोला मोहल्ला है कि वहाँ के लोग नहीं समझते हैं। बीमार हो जाएंगे तो हम कामकाजी है, कैसे काम करेंगे, घर मेरा कैसे चलेगा, इस टाइप का। पहले रमजान के समय में चूंकि भूखे पेट वाले में थे, इसलिए हम लोग उतना उनको प्रभोग नहीं किए, लेकिन अब तो सारी समस्या वैसी है नहीं। हम लोग हर पंचायत में कैंप करा रहे हैं और यहाँ स्पेशली ज़्यादा करवाएं कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, वो लोग आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में लातेहार जिला नया कीर्तिमान हासिल करते हुए 12 बेड का आईसीयू वार्ड से सदर अस्पताल सुसज्जित हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के प्रति जिलावासियों की ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट किया। संबोधित करते हुए उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि उच्च स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में विहीन रहा लातेहार जिले में अब जिलावासियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगा। जानकारी देते हुए कहा कि सदर अस्पताल में 12 बेड का आईसीयू वार्ड का मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन करने के साथ जिले के 4 प्रखंड मवरटांड, बरवाडी, चंदवा, बरियातू में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड को जिलावासियों की सेवा में समर्पित किया गया है। बता दें कि लातेहार में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में कई मरीज काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन अब गंभीर रूप से बीमार लोगों को स्थानीय स्तर पर उच्च चिकित्सा लाभ मिल सकेगा। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्य पर अपनी तीसरी रिपोर्ट यानी 2020 और 2021 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं, झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है, केरल सबसे टॉप पर तो वहीं बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। विपक्ष इसको लेकर वर्तमान सरकार पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि लगभग 1.5 सालों का समय बीत गया, कहां गया विकास का मॉडल, सरकार को इसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जो नीति आयोग ने जारी किया 2020-21 के लिए, झारखंड निचले पायदान से सिर्फ एक पायदान ऊपर है, तो इस सरकार के आए हुए लगभग 1.5 साल हो गए और 2020-21 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं राज्य अलग अलग इंडिकेटर्स में और पैरामीटर्स में पीछे रह जा रही है। तो राज्य के कर्ता धर्ताओं को और यहाँ के नेताओं को इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए और विशेषज्ञों के माध्यम से
राय विचार करके किस क्षेत्र में कहाँ हम पीछे रह गए, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, आने वाले दिनों में इन कमियों को हम विद इन टाइम फ्रेम कैसे पूरा करेंगे, इन चीज़ों पर फोकस्ड अप्रोच क्या। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी ने निर्णय लिया कि लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को गरीबों के नाम समर्पित किया जाएगा। लालू प्रसाद जी गरीबों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सद्भावना के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं, इसलिए देशव्यापी आपदा को देखते हुए उनके जन्मदिन को हम गरीबों और जरूरतमंदों के नाम समर्पित करेंगे। इसलिए यह निर्णय लिया जाता है कि हर जिला, प्रखंड और पंचायत में लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। प्रदेश में भी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में गरीबों के बीच भोजन का वितरण करें और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी कार्यक्रम किया जाएगा। प्रखंड और पंचायत में गरीबों को, जरूरतमंदों को, वंचितों को भोजन कराया जाएगा। प्रदेश में भी सारे पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपने अपने इलाके में गरीबों को भोजन कराएंगे। उनके निर्देश के अनुसार इस वर्ष लालू जी का जन्मदिन हम वंचितों के नाम, गरीबों के नाम, जरूरतमंदों के नाम करेंगे। 18 साल से बड़े को मुफ्त वैक्सीन और 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री को झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का फैसला लिया है। इसके लिए 3.25 करोड़ झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि इस टीके को आप बर्बाद ना करें, टीका सब लोगों को मिले इसकी हेमंत सरकार चिंता करे। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों को उनके हक का अनाज भी मिलना सुनिश्चित हो। इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए, इस टीके को जो मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है, इस पर आप विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले इसकी चिंता करनी चाहिए। अब साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री भी के लिए नितांत आवश्यक लोगों के लिए उसकी कालाबाजारी ना हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल रखे। लोहरदगा से खबर, बीज विनिमय एवं वितरण। बताते चले कि योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर बीज वितरण कार्यक्रम 2021 और 22 का आयोजन कुड्डू प्रखंड और संचल कार्यालय परिसर में किया गया। इस मौके पर 49 किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराया गया। किसानों के बीज धान का किस्म IR64 का वितरण किया गया, जिसका अनुदानित मूल्य 1775 रुपये प्रति क्विंटल है। बीज का वितरण के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामेश्वर उराव, माननीय मंत्री, योजना और वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक विभाग, वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड राज्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी फायदे के लिए किसान का एक नाते पर प्रस्तुत तरह करके नहीं चलाना चाहिए। आज विभाग की बात है कि हम लोगों की तब से सरकार आई कोरोना का प्रकोप हम लोगों के हिस्से में आई। 75% लोग जो गाँव में रहते हैं, चाहे हम खेती बाड़ी में हैं या खेती बाड़ी से संपर्क करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेत में काम करते हैं, तो उनको अगर बढ़ाना है हम तो कृषि को बढ़ाना पड़ेगा। कृषि को बढ़ाना पड़ेगा तो समय पर, समय से पहले खाद देना होगा, बीज देना होगा।
जामताड़ा के गांधी मैदान स्थित क्लब भवन में दिव्यांग एवं वृद्ध लोगों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने किया। इस दौरान डीसी ने टीका लेने वाले दिव्यांग जनों एवं वृद्ध को गुलाब फूल देकर सम्मानित किया और साथ ही उनसे आह्वान किया कि वे अपने घरों में यानी घरों के अन्य लोगों तथा आसपास रहने वाले ग्रामीणों को टीका लेने के लिए जागरूक करें। जागरूकता अभियान के लिए धर्मगुरु के अलावे होल्डिंग बैनर पोस्टर आदि का उपयोग किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक लोग टीका ले सके। इस दौरान उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। मौके पर SDO संजय कुमार पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। अवेयरनेस भी फैला फैल सके, उन लोगों को स्पेशली यहाँ पे लाया जा सके और वो फिर आगे अपने सगे संबंधियों को भी वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट करें। तो ये स्पेशल कैंप है स्पेशली एबल्ड लोगों के। और सर लोगों को जागरूक करने के लिए सर क्या किया जा रहा है प्रशासन के? ये तो आप देख ही रहे हैं लगातार कुछ नहीं, 4-5 महीनों से लगातार वहाँ पे पोस्टर और होर्डिंग लगी गई है। उसके अलावा हम लोग हर तरह के लोगों को संपर्क कर रहे हैं, गांव में जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, प्रधान हैं, मुखिया हैं, या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या धर्म गुरु हैं, या रूरल और किसी तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन सबको। जमशेदपुर की जनता को पूर्ण से भरोसा उठ गया है। अगर आप हमला हुआ है और आप अपने नज़दीकी थाने पहुंचे तो सबसे पहले आपको थानेदार को चढ़ावा देना होगा। अगर आपने चढ़ावा नहीं दिया और जिसने आप पर हमला किया अगर उसने चढ़ावा दे दिया तो आपका मामला डस्टबिन में चला जाएगा और आप न्याय को लेकर दर दर भटकते रहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक में, जहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया और इतना नहीं अपने साला और पत्नी के साथ मिलकर मां को भी मारकर घायल कर दिया। जब घायल कदमा थाना पहुंचा तो थानेदार ने बैरंग वापस लौटा दिया। पूछताछ करने की बात तो दूर की, इन्हें फटकार लगाकर भेज दिया गया। अब SP दरबार पहुंची, SP से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन जमशेदपुर का इतिहास कहता है कि अगर आपके पास पैसा है, ताकत है तो आप न्याय की उम्मीद रखिए। अगर यह दोनों चीज नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लगभग लोग दरवाजा तोड़ के लड़का लोग सब आके घर में ताला वाला मारा हुआ था, मार के मेरे बाहर निकाल के पूरा हॉकी और रॉड से मारने लगे। माँ तो ऊपर भी हमला कर रहे थे तो माँ ग्रीन लगा दी, जानलेवा हमला कर रहे थे। क्यों ऐसा कहा तो कुछ ये नहीं किया, खाना पैसा वैसा खा के बैठ गए खाना वाले। झारखंड के लोहरदगा जिले के अंचल अधिकारी की गाड़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान नदी में फंस गई। अधिकारी बिना सुरक्षा के थे, इनके साथ केवल ड्राइवर था। केसको प्रखंड का बहावार तलसा का इलाका नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा, जंगल पहाड़ों से घिरा है। सड़क और पुल के बगैर आम जनता को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और किसको में अंचल अधिकारी के रूप में तैनात बुडाए सारू को हुआ। लोहरदगा के तलसा नदी में इनकी गाड़ी फंसी तो इन्हें गाड़ी में जरूरी सरकारी दस्तावेज छोड़कर केवल एक डायरी हाथ में लेकर दूसरों का मोहताज बनकर चलना पड़ा। जब खुद की गाड़ी फंसी तो अधिकारी ने माना कि दूरदराज के क्षेत्र में पुलिया नहीं होने के कारण आवागमन की दिक्कतें हैं। जैसा है वैसे ही परिस्थिति में हम जा रहे हैं और जाने के क्रम में आप देख ही रहे हैं कि मेरा गाड़ी जो है नदी में फंस गई है, इसको अभी हम निकालने का कोशिश करते हैं और फिर हम वहाँ जाते हैं। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BJP पर आदिवासी विरोधी काम करने का आरोप लगाए है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को कैबिनेट की बैठक TAC के नियम
परिवर्तन पर फैसला लिया गया था, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था और राज्यपाल से मुलाकात कर विरोध दर्ज किया था। महासचिव ने कहा कि बीजेपी हवा में विरोध जता रही, उन्हें ये नहीं पता कि बदलाव राज्यपाल के निर्णय पर होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व में रमन सिंह की सरकार ने भी इसी तरह का निर्णय लिया था, उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। वहीं रूपा तिर्की की मौत के मामले पर महासचिव ने कहा कि जांच की सारी प्रक्रिया सामान्य और तेज चल रही है। वैसे वक्त में बीजेपी के नेता राज्यपाल के माध्यम से जांच पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में कहीं झारखंड में बंगाल जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। जब अपेक्षित है तो राज्य शासन और समाज को इस प्रकार से अस्थिर करने का जो मंशा भारतीय जनता पार्टी का है वो नापाक है, वो घृणित काम है। हम लोगों को निश्चित तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में पड़ने वाला मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह पर अनाथ आश्रम की दो नाबालिग बच्ची ने छिड़खानी का आरोप लगाया है और उसके बाद यह ट्रस्ट सुर्खियों में आ गया। ट्रस्ट के बाकी 40 बच्चियों ने हरपाल सिंह पर लगाए गए आरोप को गलत करार दिया है और कहा कि हरपाल सिंह और उनकी पत्नी हमारे माता पिता हैं, अगर इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उधर इस मामले को लेकर ट्रस्ट की लड़कियां एसपी दरबार पहुंची और पूरे मामले की जाँच करने की मांग की। वैसे बेटियों का कहना है कि मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है उसने ही पूरा मामला को सुर्खियों में लाया और अपने फायदे के लिए हरपाल सिंह पर गलत आरोप लगाया है। साहिबगंज जिले में पिछले दिनों चक्रवाती तूफान यास का बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के गुमानी नदी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र खासा प्रभावित हुआ था। इन प्रभावित इलाके का दौरा झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और साहिबगंज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने अधिकारियों के टीम के साथ किया। मंत्री आलमगीर आलम ने इन क्षेत्रों के प्रभावित लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यास चक्रवात तूफान के कारण गुमानी नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। इससे पास के कई गांव में तेज हवा के साथ जल प्रवेश कर गया था। इसके पास से लोगों को काफ़ी परेशानी और क्षति उठानी पड़ी। इससे जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा, उसका स्थायी समाधान होगा। वहीं मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में हमेशा पानी का बहाव होता है, यानी प्रभाव रहता है और जिसका अब स्थायी समाधान निकाला जाएगा। सरकार से भी मामले को लेकर कहा गया था कि बरहरवा में एक पैकेज के तहत इस पर काम किया जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को इस तरह की समस्या से निजात मिल सके। का एक ऑब्स्ट्रक्शन देके और उसको कैसे रोका? ये बाढ़ का प्रकोप आ गया बागमारा जिला पूर्ति विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कतरास पुलिस के सहयोग से कतरास हटिया स्थित सावित्री ट्रेडर्स गल्ला थोक दुकान में छापेमारी कर 38 बोरा चावल और बताते चले कि 7 बोरा गेहूं जब्त किया। छापेमारी की सूचना पर धनबाद DSO योगेंद्र ठाकुर भी छापेमारी स्थल पहुंचकर मामले की छानबीन की। जानकारी देते हुए DSO ने कहा कि यह सूचना मिली थी कि इस दुकान में चावल और गेहूं अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आलोक में 3 टीम गठित कर यहां भेजा गया और सूचना का सत्यापन भी हुआ। यहां से खाद्यान्न बाहर जाता है, आता है, किसी भी खाद्यान्न को बाहर आने जाने के लिए उनके पास पेपर होना चाहिए कि कहां से उन्होंने परचेज किया, कहां भेज रहे हैं, जहाँ से परचेज किया है उसका GST नंबर है कि नहीं। तो इनके द्वारा किसी तरह की कागजात नहीं दिखाया गया। स्पष्ट होता है कि ये 7 AC का
सेवन ईस्वी का अवहेलना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। संप्रति ये सेवन ईस्वी का केस बनता है, अगर आपके पास पेपर नहीं है और आपके पास स्टॉक में पाया जाता है। विगत दिनों पेट्रोल पंप व्यवसायी बेहरा कोदर निवासी सुनील सिंह ने बघमारा विधायक टिल्लू महतो पर सीधे तौर पर जबरन जमीन बेचने का दबाव बनाने और अपने अपने समर्थकों द्वारा अपने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए वही आरोपी टिल्लू समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इन मामलों से विधायक टिल्लू महतो को कोई संबंध नहीं होने की बात कही और साथ ही सुनील सिंह को ही रंगदार और आपराधिक छवि का बताते हुए यहाँ के सुनील सिंह ने हम लोगों से घर बनाने के एवज में रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर हमारे परिवार के कई सदस्य को मारकर घायल कर दिया था। बगल में अपना घर बना रहे थे जिसमें हमारा पुराना घर था, उसको तोड़ के बनवा रहे थे, तो उसमें आके वो हमला कर दिए। रंगवाल जी के मैंने मांग किए थे, नहीं देने पर वो जो हमला कर दिए, जिसमें मेरे पूरे परिवार को चोट लगा था। फिर नेक्स्ट बार अभी 50,000 रुपये मांग किए। नेक्स्ट यही है कि प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो मेरा घर नहीं बनने दे रहा वो बने। सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने 5 घंटे के अंदर राजनगर का रहने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा कि युवती जंगल में गई, जैसे वह जंगल में प्रवेश की कि 3 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और उसके बाद दुष्कर्म की। दुष्कर्म के बाद युवती जैसे तैसे जान बचाकर अपने घर पहुंची और आबिती परिवार वालों को सुनाई। अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, जिस पर तुरंत एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है, जिसमें 376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। इसमें चमरू गगराई, ये राजनगर का है, धनमान खलको, ये उरांव टोला राजनगर का है, और राजेश तिर्की, ये भी उरांव टोला राजनगर का है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बोकारो चंदन क्यारे के भाजपा विधायक कमल कुमार बाउरी बोकारो उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठ के विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बोकारो में वेदांत इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा निर्मित टेंट अस्पताल के उद्घाटन में इन्हें सूचना नहीं दी गई थी। इसके बाद वे सीधे उपायुक्त कार्यालय के जमीन पर धरने पर बैठ गए और इस मामले को लेकर मुख्य सचिव से बात करने के बाद ही धरने से उठने की बात कही। उपायुक्त कार्यालय में मौजूद बेरमा विधायक कुमार जयमंगल सिंह, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तत्काल मुख्य सचिव को इस बात को लेकर अवगत कराया। इसके बाद मुख्य सचिव ने चंदन क्यारी विधायक से बात की और इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने की बात कही और उसके बाद विधायक अमर बावरी धरने से उठे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पर मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पर विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस आपको ले और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी है सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो कमिटमेंट हुआ है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़ा होकर के कहा है कि जो जनसुनवाई हुई है गलत हुई है, फिर से जनसुनवाई होगी। मेरमस डीएम ने टांड मोहनपुर, टांड बालीडी और बांधडी फोरलेन स्थित गैर मजरुआ सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए जाने की सूचना पर निरीक्षण किया और साथ ही ज्वरेडी सीओ नरेश रजक को सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कर
निर्माण पर जल्द से जल्द रोक लगाने का निर्देश दिया गया। बालीडी मौजा है, यहाँ पर खाता नंबर 41 का, खाता 42 का प्लॉट नंबर 841, इसके अंतर्गत अच्छे खासे 74 एकड़ के लगभग में रकबा जमीन है, गर्मजरुआ जमीन, जिसका किस्म जंगल झाड़ी है। तो अंचल अधिकारी के द्वारा इसमें सूचना दी गई थी और ग्रामीणों के द्वारा भी कंप्लेन किया गया था कि कुछ कुछ इसको भू माफिया के समान लोग इस पर भूमि पर अवैध रूप से इसका खरीद बिक्री कर रहे हैं बिना निबंधन के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए धारा 144 यहाँ पर लागू किया गया है। बोकारो से खबर। कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार यानी राज्य में लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर शहर में काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी के संकट उत्पन्न हो गई है। मजदूर यहाँ काम की तलाश में तो आते हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार कर बैरन घर वापस लौटना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा चास के चेक पोस्ट, धर्मशाला मोड़ और जोध डी मोड़ में देखने को मिला। यहाँ बंगाल से दूर दराज से प्रतिदिन मजदूर काम की तलाश में आ जाते हैं यानी आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण घंटों घंटे काम के इंतजार में बैठकर निराश होकर बैरन लौटना पड़ता है। इस तरह की स्थिति राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन लगने के बाद से ही शुरू हो गया है। मजदूरों का कहना है कि सरकार को मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा वाले सबका ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए था, क्योंकि हमारे सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है, भगवान भरोसे घर चल रहा है। इसी के साथ